हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मीत की हेल्दी रसोई में। तो आज मीत की रसोई में बनने जा रही है एक स्वीट डिश जो कि झटपट बन जाती है, बहुत ही हेल्दी है और जिसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे। इसमें कोई तामझाम नहीं चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसके लिए ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए। कभी मीठा खाने का मन कर रहा है, बच्चे डिमांड कर रहे हैं कुछ डिज़र्ट खाने की, तो ये बच्चों की मनपसंद रेसिपी है जो बहुत ही इजी है, हेल्दी है और जल्दी से बन जाने वाली है। तो चलिए, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं कि आपके बच्चों ने भी ये रेसिपी पसंद की या नहीं, उनको कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी के लिए क्या क्या चाहिए और कैसे बनती है ये। तो सबसे पहले हमें एक इसमें बनाना चाहिए होएगा केला, जिसको हम पील करके छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। आप केले को छील के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। मेरे बच्चे जब भी कभी रात प्रभात उनका मीठा खाने का मन करता है, वो डिमांड करते हैं और मेरा बनाने का मन नहीं होता कि मैं अब उठूं और कोई ख़ास चीज़ उनको बना के दूं जिसमें ज़्यादा टाइम लगे, या कई बार होता है ऐसा। तो मैंने ऐसी कुछ रेसिपियां रखी हुई हैं जो कि मैं फटाफट उनको मीठा बना के दे देती हूं, जिससे उनका दिल भी बहल जाता है। और इसमें जो इन्ग्रीडियंट्स यूज़ होने हैं वो अक्सर बच्चों को पसंद आते हैं। इसमें हम केला इस्तेमाल करेंगे, चॉकलेट इस्तेमाल करेंगे और नट्स इस्तेमाल करेंगे, और अक्सर बच्चे ये चीज़ें पसंद करते हैं। और थोड़ा सा उनको सजा के अच्छे से गार्निश करके हम दे दें तो ट्रिक्स के साथ, तो उनको वो भी भाती हैं चीज़ें, तो उससे बच्चे छोटे बच्चों को बहलाना आसान हो जाता है, तो उनकी डिमांड भी हम पूरी कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमने बनाना पील करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। तो अब हम नट्स देखिए कौन कौन से लेंगे। वैसे तो आप अपने मनपसंद नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने अखरोट लिए हैं 2 चम्मच, 2 चम्मच काजू लिए हैं और 2 चम्मच बादाम लिए हैं। इनको हम दरदरा मोटा मोटा काट लेंगे या चॉपर में चॉप कर लेंगे, हमें इनका पाउडर नहीं बनाना। देखिए, हमने मोटा मोटा चॉप कर लिया है इनको, दरदरा पाउडर नहीं बनाया, हमने चॉप कर लिया है। और ये मैंने डार्क चॉकलेट लिया है जिसमें हल्का मीठा होता है, इसमें ये मैं आधी कटोरी दूध डाल के इसको मेल्ट कर लूँगी चॉकलेट को। इसकी जगह आप चॉकलेट सिरप का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। मेरे पास चॉकलेट, डार्क चॉकलेट अक्सर पड़ा होता है, तो मैंने उस चॉकलेट में दूध डाल के उसको मेल्ट कर लिया है। आप इसकी जगह चॉकलेट सिरप का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखिए, ये अच्छे से ऐसे सिरप बन गया है। अब हम इसको सेट करेंगे। आप कोई भी कटोरी, गिलास, कुछ भी ले सकती हैं उसमें सेट करने के लिए। सबसे पहले हम 2 चम्मच चॉकलेट के डालेंगे जो हमने अभी अभी मेल्ट किया है। उसके बाद जो दरदरे करके हमने नट्स डाले रखे हैं उसका 1 चम्मच डालेंगे, और उसके बाद कटे हुए थोड़े से बनानास डालेंगे। और इसी प्रोसेस को हम रिपीट कर लेंगे। फिर से हमने चॉकलेट सिरप डाला है, अब हम दरदरे किए हुए नट्स डालेंगे और फिर बनानास डालेंगे। और आप चाहें, अगर आपके बच्चे पसंद करते हैं और आप भी पसंद करते हैं, तो आप इसमें मिडल में आइसक्रीम का 1 क्यूब भी डाल सकते हैं, चॉकलेट आइसक्रीम का क्यूब डाल सकते हैं इसमें, उससे ये और भी यम्मी बन जाएगी। मेरे पास इस टाइम चॉकलेट आइसक्रीम बनी हुई नहीं थी, वनीला पड़ी थी, तो बच्चों ने कहा कि हमने वनीला नहीं खानी, हमें ऐसे ही दे दो। तो अगर आप चाहें तो इसमें आइसक्रीम, जो भी बच्चे आपके पसंद करते हैं, तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि 1 लेयर आप इन चीज़ों की बिछा के, उसके बाद 1 क्यूब आइसक्रीम का, फिर 1 लेयर इन चीज़ों की बिछा के, उसके बाद 1
स्कूप जो है आइसक्रीम का, ऐसे करके आप इसको सेट कर सकते हैं। ये दोनों तरीकों से डिज़र्ट अच्छा लगता है, इसी तरह भी अच्छा लगता है और आइसक्रीम के साथ भी अच्छा लगता है, आप जैसे भी खाना चाहें। हेल्दी भी है, टेस्टी भी है और बच्चे ऐसी चीज़ें पसंद भी करते हैं और झटपट बनने वाला डिज़र्ट भी है। तो ये देखिए हमारा ये झटपट बनाना चॉकलेट डेजर्ट बनके तैयार है। आप इसको आइसक्रीम के साथ भी बना सकते हैं, उसके बिना भी बना सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे बताएं। और मिलते हैं अगली ऐसी ही नई और यम्मी रेसिपी लेके। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।